लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद 62 वर्षीय बुजुर्ग भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठा धरने पर। थाना उत्तर क्षेत्र पारसनाथ मार्केट स्थित पार्क का ये मामला है। बताया, कई सरकारें आई पर गुंडागर्दी, हत्याएं, बलात्कार नहीं हुए कम। जी हां, थाना उत्तर क्षेत्र पारसनाथ मार्केट स्थित पार्क में एक 62 वर्षीय करीब वृद्ध धरने पर बैठ गया, जिसका कहना था कि किसी भी सरकार ने भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसको लेकर धरने पर बैठे हैं। बताते चलें कि संतोष नगर गली नंबर 4 रायपुरा रोड निवासी एक 62 वर्षीय बुजुर्ग जगदीश चंद्र विश्वकर्मा पारसनाथ मार्केट स्थित पार्क में बीते दिन से धरने पर बैठ गया। उसका ये कहना था कि 1970 से देखते चले आ रहे हैं, भारत में अनेकों सरकारें बनी, किसी भी सरकार ने गुंडागर्दी को लेकर कोई अहम कदम नहीं उठाया, हत्याएं, गुंडागर्दी और बलात्कार कम नहीं हुए। कहा कि कई सरकारें आई लेकिन किसी ने भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी को खत्म नहीं कर पाया। बताया कि मोदी जी ने 2014 में चुनाव से पहले कहा था कि हमारी सरकार में गुंडागर्दी खत्म कर देंगे, पर उन्होंने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बताया कि बीते दिन से बिना कुछ खाए पिए, सिर्फ पानी पीकर ही धरने पर बैठे हैं। जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ बैठे हैं? आखिर क्या कारण है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं? हमारा नाम जगदीश चंद्र विश्वकर्मा, यहाँ पार्क में बैठे हैं भ्रष्टाचार के और गुंडागर्दी धरने पे। क्यों? हमारे पूरी बताएं बात, हमारे को 1970 से मैं देखता चला आ रहा हूँ, हमारे भारत में अनेकों सरकार बनी पर किसी भी सरकार ने भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहे, लूट हो रही है, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, इस पर सरकार कोई गौर नहीं दे रही, कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मोदी जी ने 2014 में चुनाव से पहले कहा था हमारी सरकार उत्तर प्रदेश बनेगी तो मैं गुंडागर्दी खत्म कर दूंगा, लेकिन उन्होंने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो मैं क्या, कोई अधिकारी आपके पास आए? कोई नहीं आए। कब से बैठे हैं आप? कल से बैठे हैं। कल से बैठे हैं। खाना पीना किस तरीके से? क्या अन्न क्या कर दिया? पानी पीते हैं? पानी फल फला दिया। अब सर, यहाँ की प्रशासन से क्या चाहते हैं, फिरोजाबाद से या सरकार से? सरकार से मैं ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार, आत्महत्याएं हो रही हैं, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, इसको कानून द्वारा बंद किया जाए।